दिसंबर 2020, पूरे 8 महीने हो गए थे मुझे हिमालय से वापस लौटे हुए। एंड दिस दिल से पहाड़ी सोल इन मी वॉज डाइंग टू बी बैक इन द माउंटेन्स ऑल ओवर अगेन। कुछ मुश्किल दौर से गुजर रही थी हम सब की जिंदगी उन दिनों, पर दिल को बस एक ही ख्वाहिश थी, वो थी पहाड़ों में कुछ सुकून भरे लम्हे गुजारने की। तो बस फिर क्या था, मैंने सोचा नए साल की शुरुआत इससे बेहतर भी भला कुछ हो सकती है, और निकल पड़ी एक अनजान सफर में कुछ अनजान लोगों के साथ, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये सफर इतना रोमांचक हो जाएगा। साहिल गाइस ओहो मारो मुझे और मारो। नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी। आज है 30th of December 2020 एंड मैं जा रही हूँ अपने 2020 के लास्ट ट्रिप के लिए एंड 2021 के फर्स्ट ट्रिप के लिए। सुबह के 8 बज रहे हैं, हमने अभी क्रॉस किया शिमला, हम कल रात को 9 बजे निकले थे दिल्ली से, और जर्नी काफ़ी प्यारी रही और मेरी जो आँखें हैं वो खुली एक प्यारे से सनराइज के साथ। और इस ट्रिप पर मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ इंडिया के लास्ट विलेज चितकुल में। यस, हम जा रहे हैं हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और आपको घुमाने वाली हूँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत मैंने सोचा यहीं से करते। बाय द वे माय हैंड्स आर फ्रीजिंग बिकॉज इट्स सो कोल्ड हियर, दो सन शाइन बहुत ही प्यारी सी आ रही है। एंड आई एम ट्रैवलिंग विद लाइक स्ट्रेंजर्स, 10-12 ट्रैवलर्स के साथ आई एम ट्रैवलिंग, और जैसे मैं थोड़ा सबसे जेलप होंगी आप लोगों को भी मिलाऊंगी सबसे। लेट्स गो। और हम आज स्टे करने वाले हैं सारण में, क्योंकि यहाँ से अभी आई थिंक 30-35 किलोमीटर रह जाता है, क्योंकि हमने बीच में ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप किया था जहाँ पर मैंने आपसे बात की है। उसके बाद जर्नी वो सो सीनिक, सो आराम से जा रहे थे, और कुछ कुछ जगह पर स्नोफॉल भी हुई थी तो बिकॉज ऑफ द आइज और सारी चीज़ें तो गाड़ी थोड़ी स्लो चलानी होती है। सो या दैट्स व्हाट, 30-35 किलोमीटर होगा ना भैया अभी। सो या अब तो आपसे डायरेक्टली मिलेंगे सारण। Hey everyone, so I have reached to Sarahan, it's a small village, एक और ये हमारा पहला stop है इस journey का। So यहाँ पहुँच गए हैं, room में check-in कर लिया है, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। So as आपको पीछे भी दिख रहा होगा, this is the view, but I will turn the camera. Oh my god! अभी तक ये नहीं चल रहा था, but जैसे ही मैंने camera on किया, it's हो रहा है। By the way, look at the view. येस, सो वी आर हियर फॉर वन डे ओनली, क्योंकि ये छोटा सा विलेज है और यहाँ पर हम आज रात को स्टे करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट विल लीव टू आर अनदर डेस्टिनेशन विच इज़ चितकुल, वो कल हम निकलेंगे सुबह सुबह। बट बिफोर दैट आपको ये छोटा सा विलेज सारहान थोड़ा सा घुमाएंगे साथ में, क्योंकि अभी हम रेडी हो गए आने के बाद फ्रेशन अप होकर। थोड़ा सॉक्स चाहिए थे, कितने के हैं फिर? 200 का है। सो हम आ गए हैं भीमा काली मंदिर में, जो कि सरहान में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, और इसकी जो एंट्रेंस है आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जस्ट एंट्रेंस है इसकी। एंड वी आर गोइंग टू लाइक इनसाइड द टेम्पल, और टेम्पल के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज ज़रूरी है कि हम शांति बनाए रखें। एंड राइट नाउ आई बॉट समथिंग फ्रॉम लाइक नियर लोकल मार्केट, सो या लेट्स गो इनसाइड।
सॉक्स पहनने के बाद भी हमारे फीट्स जो हैं वो नम हो चुके हैं टोटली, बिकॉज द टेम्परेचर हियर इज़ लाइक अराउंड 3-4 degrees. आई कांट इवन फील माय फीट्स, यू कैन सी द स्नो हियर. नाउ फाइनली विल वेयर आवर शूज. हाँ, आप यहीं से हैं? अच्छा, उधर है वो? हाँ, वो इतना दूर कैसे जाते हैं पैदल? पैदल. बाप रे, कितना टाइम लगता है? हम तो 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं. Hey guys, so मैं यहाँ पर gloves ले रही थी और this shop name is Narayan Shawl Industry and auntie बहुत sweet है, इन्होंने ये सब कुछ अपने हाथ से बनाते हैं auntie, और मैंने यहाँ से ये वाले gloves लिए हैं. और look at the shop, आप जब भी इस विलेज में हो इस वाली शॉप में आना और आंटी से ग्लव्स, बहुत सारे ऑप्शंस है, स्वेटर भी है और सॉक्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारी विंटर वेयर आइटम्स है. डू नॉट फॉरगेट टू कम हियर. हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सराहन. ओके, सो ये हमारे जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम रुक रहे हैं उसका टेरेस है. यहाँ पर बैठेंगे और थोड़ी सी नज़ारे इस झूले में बैठे बैठे इन्जॉय करेंगे. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि कल मैंने शाम के बाद व्लॉग क्यों नहीं किया. सो कुछ ऐसा खास किया भी नहीं हमने. हम टेम्पल गए, यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पल है जो कि भीमा काली टेम्पल, जो मैंने कल आपको दिखाया. द टेम्पल इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एंड देन फिर वहाँ पर आसपास ही मार्केट है. सो मार्केट से जैसा कि हमने ये वाले ग्लव्स लिए, थोड़ा कुछ कुछ वुलन आइटम्स ली, बाद हमने डिनर किया और काफ़ी टायर्ड हो गए थे. एज आई टोल्ड यू कि हमने 16 आवर्स की जर्नी की थी टुवर्ड्स फ्रॉम दिल्ली टू सराहन. सो काफ़ी टायर्ड थे. उसके बाद हम सो गए एंड राइट नाउ इट्स 9 in the morning. हम 7 बजे से उठे हुए हैं. उठ के हमने लेमन टी पिया और उसके बाद फ्रेश व्रेश होके राइट नाउ आई एम ऑल रेडी ऑल सेट. और अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद वी विल ड्राइव टू चितकुल टुडे. और चितकुल जाते जाते रास्ते में वी विल स्टॉप बाय लाइक सांगला. अभी मैं थोड़ा ब्लैबर कर रही हूँ बिकॉज इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर. मैं काम कर रही हूँ. सो ब्रेकफास्ट और सारी चीज़ें डन हो चुकी है. अभी हमने खाए हैं मस्त पूड़ी और आलू. निकलने वाले हम चितकुल के लिए. लेट्स गो क्यूटी. चारा बाय बाय. आर यू रेडी फॉर चितकुल? How's the josh everybody? ये भगवान कितना ठंडा वेदर की जैसा. सांगला आफ्टर 4 hours ड्राइव एंड यहाँ से नज़ारे एकदम बदल चुके हैं. आई मीन लुक एट द स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड हम आ गए हैं सांगला में. बाय द वे मेरे पीछे वाला ये माउंटेन है, हाय. और ठंड भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है नज़ारों के साथ साथ. एंड हियर वी आर गोइंग टू कामरू फोर्ट, जो कि यहाँ का फेमस फोर्ट है. यहाँ पे बहुत ही फेमस होली होती है एंड आई हैव हर्ड सो मच अबाउट दिस प्लेस. एंड या लेट्स गो. एंड वी हैव मास्क ऑन एज वेल क्योंकि ऑब्वियसली विलेजेस को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. देयर इज विलेज बिहाइंड, लाइक यहाँ से विलेज से होते हुए हमें जाना है. सो या सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो टू द फोर्ट.
हे एवरीवन, सो हम थोड़ा सा ट्रैक करके, आई मीन ट्रैक नहीं था ये, एक्चुअली मैं थोड़ा सा चल के आना पड़ता है ऊपर, क्योंकि यहाँ तक गाड़ी नहीं आती है. दिस इज़ कामरू फोर्ट राइट बिहाइंड मी, और यहाँ पे आपको कैप पहननी पड़ती है एंड यू हैव टू टाई दिस इन योर वेस्ट बिकॉज इनका कल्चर है. एंड यहाँ पर एक आंटी है, उन्होंने स्टोरी बताई, सो आई विल पुट राइट हियर सो दैट कि आपको भी पता चले अबाउट द फोर्ट. अच्छा, तो अभी ऐसा कुछ कल्चर नहीं है? अब राज्य का नहीं है, अब राज्य का शासन खत्म हो गया. हाँ, अभी पहले सीएम जो थे वीरभद्र जी, अभी लास्ट राजा वही थे. जी, हाँ, उनके पूर्वज थे ना यहाँ पे. अच्छा, हम सरान गए थे, वहाँ पे भी तो वही. हाँ, उन्हीं का पहला ये, वो तो बाद में, ये पहले, फिर वो. पहले राजा यही रातिलक यही होता था. अच्छा, तभी इसको राजा बना. नहीं, राज तिलक होता था, राज तिलक भी यही बैठती थी पहले. We all are having lunch here with a view. लंच में एक्चुअली अभी हमने मोमोज पूरी प्लेट खाली कर दी है. इज नूडल्स साहिल फॉर यू गाइस एंड शिवाय एंड माय अंकल. ओह माय गॉड, खाते खाते देखो मैं सबके कैसे एकदम चेहरे ले रही हूँ ना. एवरीबॉडी इज बिजी पनीर टिक्का ले रहा है. फूड आधे में बैठ जाओ. नाउ आई एम रेडी. हाउ इज मोमोज हियर? एक्सप्रेशन सेज एवरीथिंग. ओके गाइस, सो वी हैड लंच हियर. दिस इज तिब्बतन कैफेटेरिया हियर इन सांगला. और अब फाइनली अभी कितने बज रहे हैं, आई गेस 5 बज रहे होंगे. अब हम यहाँ से निकलेंगे चितकुल की तरफ. सो या दिस इज द प्लेस. वी हैड अमेजिंग, लाइक इतना डिलीशियस मोमोज मैंने आफ्टर सो लॉन्ग खाया. सो या अब वी आर गोइंग टू चितकुल नाउ.